हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस चैनल में गेमिंग एंड गेमर से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने गेमर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी और आपको भी ऐसी गेमिंग से रिलेटेड न्यूज, फ्री गेम्स के ऊपर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लास्ट टाइम मैंने 400 लाइक का टारगेट दिया था, हमने 400 लाइक करवा दिए थे, तो इस वीडियो को भी 400 लाइक जरूर से करवा देना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दी गैमर सेनपाई। आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इसमें मैं एक्सक्लूसिव न्यूज डालता रहता हूँ, तो आप मेरे को जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ये वीडियो होने वाली है वीकली गेमिंग न्यूज का 8th एपिसोड। इसमें मैं आपको गेमिंग एंड गेमर से रिलेटेड न्यूज देता हूँ। न्यूज मैं आपको 3 सेगमेंट्स में देता हूँ। पहला सेगमेंट होता है हार्डवेयर न्यूज का, दूसरा सेगमेंट होता है गेमिंग न्यूज का, तीसरा सेगमेंट होता है एनिमे न्यूज का। और इनसे मैं वो सब कवर करने की कोशिश करता हूँ जो इस वीक में हुए हैं, और अगर कुछ छूट जाता तो मैं उसे नेक्स्ट वीक की न्यूज में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है वो है हार्डवेयर न्यूज का। तो जो पहली न्यूज आ रही है वो एनवीडिया की तरफ से आ रही है। एनवीडिया के RTX 3080 कार्ड के स्पेसिफिकेशंस मार्केट में और ऑनलाइन यूट्यूब में अवेलेबल हो चुके हैं। आप उनको जाकर के देख सकते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, पूरे FPS कितने आ रहे हैं, सब कुछ झोल झमाला जो भी आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको। अपने आयुष भाई ने बहुत अच्छे बेंचमार्क करके दिखा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो एनवीडिया ने 2x परफॉर्मेंस जो कह के लोगों की ली है ना, लोगों ने सोचा कि 2x परफॉर्मेंस मिलेगा और उन्होंने अपने RTX 2080 कार्ड्स को, 2080 सुपर्स कार्ड्स को 30-40 हजार में बेच दिया। चलो अब क्या ही बोल सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बेचे हैं, जिनका सही चल रहा है वो अपना चलाते रहो, मस्त चलता रहेगा वो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि 2x परफॉर्मेंस बोल करके उन्होंने बहुत गंदा वाला काटा लोगों का, बेवकूफ बना दिया एक तरीके से। कितना 50% है, बुरा कार्ड नहीं है, नए बंदों के लिए जिनके पास 10 सीरीज या 900 सीरीज के कार्ड्स हैं उनको लेने के लिए सही है। बट नए वाले कार्ड लेने की जरूरत नहीं है जिनके पास 20 सीरीज के कार्ड्स हैं। बट यही है कि मतलब फेक मार्केटिंग करी थी, तो जो भी है, फेक भी नहीं बोलूंगा, उन्होंने उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो भी अपने बेस्ट केस सिनेरियो ही निकाल के दिखाएंगे अपने कार्ड बेचने के लिए, वो तो हर कंपनी करती है। बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे लेके गए, बट चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही बोल सकते हैं। मेरे चैनल में तो ज़्यादातर लोग 3070 का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 3080 वाले भी हैं, बट 3070 का वेट कर रहे हैं, तो उस कार्ड के लिए थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि आप AMD के लिए भी वेट कर सकते हैं, जो कि आपकी सेकंड न्यूज़ है। AMD ने अपने न्यू कार्ड्स को थोड़ा सा टीज कर दिया था और अपना रिवील ही कर दिया एक तरीके से, वो कैसे लुक करते हैं, और सोशल मीडिया में अपने उन्होंने फोटोज डाली हैं। और फोर्टनाइट में उन्होंने, पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, बट था तो इवेंट तो था एक, जिसमें आप फोर्टनाइट में उनके कार्ड को 3D मॉडल देख सकते हो, तो आपका कुछ ऐसा दिखता है ये कार्ड। और सीधे सीधे बोले तो एनवीडिया के जो फाउंडर एडिशन थोड़ा वैसा दिखता है, बस थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारा हुआ है हल्का फुल्का, तो हाँ वैसा ही कूलर है थोड़ा बहुत डिजाइन में, फैंस अलग है थोड़े से, बट हाँ जो भी है ऐसा कुछ दिखता है। और सुनने में आ रहा है कि उसकी HBM2 मेमोरी होगी, ये वो फलाना फलाना, तो इन कार्ड्स के लिए आप वेट कर सकते हो, क्या पता एनवीडिया से भी बहुत तगड़ी दे दे। और तो जैसे आपको पता हो, तो चलो इसको एक अलग से न्यूज जैसे एक अलग सेक्शन दे देते हैं, मतलब तीसरी न्यूज दे बना देते हैं इसको, कि एनवीडिया के जो कार्ड्स हैं वो स्टॉक्स में नहीं है, स्टॉक्स में आए जैसे कि और वो चले गए। और अगर आपका, हमारे इंडिया में तो ज्यादा ईबे चलता नहीं, शायद बंद भी हो गया ईबे, हाँ, बट US वगैरह में जो उनकी ऑक्शन चले थे, जो कि वहां पे $1300 का पहुंच गया था, हम 100,000 रुपए, उनके वहां पे 100,000 रुपए बहुत ज्यादा, बट यहाँ पे तो कितना आपका 70,000 का तो आता है 100,000 रुपए, बट उनके लिए वहां पे 100,000 रुपए ज्यादा, $1300 का कुछ पहुंच गया था, कितना $700 का तो कार्ड ही है, इतना महंगा पहुंच गया था ऑक्शन में, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो हाँ जो भी है, जब ये AMD के नए कार्ड आएंगे तो आपके लिए एक तरीके से फायदा ही होगा। तो जो भी है, एनवीडिया आपको धोखा दे रहा हो या आपका AMD नया कार्ड निकाल के आपको फायदा दे रहा हो, तो खुश होकर आप नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के साइड में देखे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो जैसे मैं डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। जो हार्डवेयर न्यूज में जो नेक्स्ट न्यूज है आपकी, फोर्थ न्यूज ही बोल लो, तो ये आपकी PS5 की रिलीज डेट एंड प्राइजेस आ चुके हैं। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में जाके टॉप राइट कॉर्नर में जाके देख सकते हैं। थोड़ी सी जस्ट बता देता हूँ कि जो इसके प्राइसिंग है आपके डिजिटल एडिशन के $400 है, और आपका जो स्टैंडर्ड एडिशन है PS5 का वो आपका $500 का है, सेम प्राइस है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से। और जो एक्सबॉक्स सीरीज एस है वो $300 का मिलता है, बट वो कट डाउन वर्जन होता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियो देख लीजिए अगर आपको पूरा जानना है। तो यही थी आपका हार्डवेयर न्यूज का सेगमेंट। जो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका गेमिंग न्यूज का, जो आपकी गेमिंग सेगमेंट में जो पहली न्यूज आ रही है वो आपकी साइबरपंक से आ रही है। साइबरपंक की रिक्वायरमेंट्स रिलीज हो चुकी है, मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे पहले अपलोड कर दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज चाहिए तो आप मेरे अकाउंट को जाकर के फॉलो कर सकते हो, दी गैम्बिट सेनपाई।
तो ऐसी कुछ है आपकी साइबरपंक की रिक्वायरमेंट्स। आपके विंडोज 7 में भी चल जाएगा, विंडोज 10 में भी चल जाएगा। रेकमेंडेड आपका विंडोज 10 है और डायरेक्ट एक्स 12 चाहिए इसको। इसको रीजनेबल प्रोसेसर भी चाहिए, 3200G राइजन 3 और i7 4th जनरेशन का, और मिनिमम में आपका i5 3rd जनरेशन और आपका FX सीरीज के प्रोसेसर। और आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 8GB मेमोरी रैम और आपकी 12GB रैम। तो अगर आपके पास 8GB और 16GB है रैम तो मिनिमम तो सही चलेगा आराम से। और ग्राफिक कार्ड्स भी हाँ ठीक ही है आपका, 780 बहुत पुराना कार्ड है, AMD का 470। ये 470 ठीक ही है बट किसी किसी के लिए ज्यादा हो सकता, मतलब मिनिमम इतना तो हर किसी के पास है ही। अगर रिसेंटली अगर किसी ने मतलब एक दो साल में किया है तो इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए, 1050 के बराबर ही समझ लो इसको भी एक तरीके से। और यहाँ पे आपको 1060 चाहिए। और जो AMD का R9 है वो थोड़ा अजीब सा ही कार्ड था, जो भी है आपका 480 समझ लो एक तरीके से इसको भी, जो भी है। और 1060 तो एक बहुत कॉमन कार्ड था दो तीन साल पहले, तो हाँ ये तो नॉर्मल है, बहुत सही रिकमेंडेशन है। बट स्टोरेज तो मैंने ऊपर की चीजें नहीं देखी थी, मैंने सबसे पहले देखी थी स्टोरेज। आप मानोगे नहीं, मैं चौंक गया था 70GB देख करके। मैंने सोचा था ये 150GB तो जाएगा ही जाएगा ये, बट 70GB ओ मैन बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब 70GB तो अरे कुछ नहीं होता, बहुत सही है। चलो तो ये है। और SSD इन्होंने रिकमेंड करी है, बट हाँ SSD में कौन ही डालता है गेम्स को, जो भी है शायद से मैं चला के देख लूं एक बारी के लिए। तो ये है। और अगर आपको साइबरपंक खरीदनी है तो आप जाके खरीद सकते हैं स्टीम से, आपको कितनी 3000 रुपए की मिल जाएगी। और आपको डायरेक्टली मतलब फुल सपोर्ट देना, क्योंकि स्टीम तो 30% ले लेता है। अगर आपको CDPR को सपोर्ट करना है 100% वाला, तो आप GOG.com से भी जाके खरीद सकते हैं, वो भी सही साइट है। या तो आप Amazon से भी खरीद सकते हैं, 2500 रुपये की आपको मिल जाएगी, 500 रुपये कम की, बहुत सही है। तो अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आपकी PS5 की इवेंट सही है, मतलब जो इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट ये गेम्स की है तो गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसमें कि आपकी कौन कौन सी गेम इसमें अनाउंस हुई है और रिलीज के बारे में बताई गई है। इसमें आपको फाइनल फैंटेसी 16 FF16 के बारे में बताया गया है, हाँ ट्रेलर वेलर दिखा दिया कि ये चीज़ तो ये गेम आने वाली है। और जो आपकी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के बारे में दिखाया था, इसमें गेम प्ले दिखाया था, बहुत बढ़िया गेम प्ले लगा था मेरे को इसका। और आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर के बारे में थोड़ा गेम प्ले दिखाया, जो कि इसका गेम प्ले मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब करेक्टर डिजाइंस बहुत अच्छे किए गए हैं। और इसमें रेजिडेंट ईवल 8 विलेज के बारे में भी दिखाया गया है, वो भी मेरे को बहुत सही लगा। और आपका डेविल मे क्राय 5 का स्पेशल एडिशन के बारे में दिखाया, ये भी बहुत अच्छा था। आपकी इसकी वीडियो इनकी वीडियो जाकर के आप देख सकते हो, बहुत सही है। और जो इनकी सोल्स लाइक गेम है प्लेस्टेशन की एक्सक्लूसिव डीमन सोल्स, तो उसमें भी आप इन्होंने ये भी दिखाया था। शायद उन्होंने कोई गलती कर दी थी, पीसी इन ऑन पीसी भी बताया था, बट शायद से ये पीसी में आ सकती है एक साल बाद, या पता नहीं, जो भी है आएगी तो बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ गेम्स थी जो उसमें कराई थी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल गई होगी। तो ये है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपकी कुछ अपकमिंग और न्यू गेम्स के ऊपर है। जो आपकी क्राइसिस रीमास्टर्ड है वो एपिक गेम स्टोर पे आ चुकी है, उसका प्राइस भी आ चुका है, $9.5 का है, $9.5 का आपका अराउंड 700 रुपीज़ हो जाता है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो रही थी मेरे से कमेंट सेक्शन में, पूछ रहे हैं कि उनका पेपाल नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है। तो आपके पास अगर पेपाल नहीं चलता है, एक बार आप डायरेक्टली कार्ड डाल के देख सकते हैं एपिक गेम स्टोर में। अगर नहीं चलता है तो प्लीज़ अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करके पूछिए, उनका जो भी है क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो ऑन है कि नहीं, वो एक बार देख सकते हैं। और उनको रिक्वेस्ट करिए कि जो भी है वो ट्रांजेक्शन ऑन करिए ये वो करके। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार ट्यूटोरियल जो भी है यूट्यूब में आप नॉर्मल रैंडम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। तो ये है। और जो नेक्स्ट गेम है ये बहुत बड़ी गेम है, अच्छी गेम है। तो आपकी जो माफिया 1 डेफिनेटिव एडिशन, जो माफिया 1 का जो रीमास्टर्ड जो गेम आ रही थी, वो भी 5 दिन बाद 25 सितंबर को आ रही है। और ये एपिक गेम स्टोर में अभी तो बंडल दिखा रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों सिंगल गेम नहीं दिखा रहा। बंडल में आपको मिलेगा माफिया 1 का रीमास्टर्ड, माफिया 2 का रीमास्टर्ड एंड माफिया 3 का डेफिनेटिव एडिशन, मतलब तीनों का डेफिनेटिव एडिशन मिलेगा। ये आपको पड़ेगा $43 का, 3200 रुपये का आपको पड़ेगा ये टोटल, मतलब 3200 रुपये की ये तीन गेम्स मिलेंगी। और इसमें आप $10 का कम कर दोगे तो आपको ये कितना $33 का आपको तीन गेम्स मिलेंगी। तो मेरे को लगता है कि हाँ डील तो अच्छी है। अगर आपने माफिया नहीं खेली सीरीज, माफिया 1 और माफिया 2 बहुत ग्रेट गेम है, आप जाके उसको खेल सकते हैं। माफिया 3 के बारे में मैं नहीं बोलूंगा इतना, क्योंकि इसमें थोड़े मिशन रिपीटेटिव हो जाते हैं, थोड़ा वैसे ही गेम है, थोड़ी जीप सी लगती है मेरे को। तो हाँ माफिया 1 और माफिया 2 बहुत अच्छी गेम है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और स्टीम में तो 2200 रुपये की मिल रही, तो इसी के अराउंड अराउंड होगी, तो आप $10 का जो कूपन मिलेगा आपको
रॉकेट लीग के साथ, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और रॉकेट लीग को मेंशन ही कर दिया तो नेक्स्ट न्यूज भी रॉकेट लीग के ऊपर ही है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल मतलब बना रखी है फ्री गेम के ऊपर, लास्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। रॉकेट लीग आपकी 23 तारीख को आ रही है, 3 दिन बाद आपकी फ्री होने वाली है। मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, आप टेंशन मत लीजिए। और इसके साथ आप जो $10 का कूपन है, आपको ये फ्री में मिलेगा $10 का कूपन, तो आप इसे क्लेम करके कोई सी भी गेम को खरीद सकते हैं। उस समय आपको $10 सीधा माइनस हो जाएगा। तो यही था आपका गेमिंग सेगमेंट। जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आपका एनिमे सेगमेंट का है। तो जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है म्यूज एशिया की तरफ से। ये एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको फ्री में एनिमे प्रोवाइड करवाता है, यूट्यूब में आपको HD में आपको एनिमे प्रोवाइड करवाता है। तो आप यहाँ पे जाकर एनिमे देख सकते हो। तो अभी ये नया जो एनिमे यूट्यूब में लाने वाले हैं, डेली आपको 5-6 बजे जितना भी इनका टाइम होता है उसमें आपको एक डेली एपिसोड इसमें लेके आएंगे ये लोग, इन सर्च ऑफ द लॉस्ट फ्यूचर का एनिमे। तो मैंने इस एनिमे को अभी तक देखा तो नहीं है, तो मैं इसका एक अच्छा खासा रिव्यू दे नहीं पाऊंगा, बट हाँ आप इसे जाके देख सकते हैं, ये आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, आपको पायरेट करने की जरूरत नहीं है। और आपको संडे को या मंडे को, पता नहीं इनके टाइम के हिसाब से जो भी है, आपको कुमा 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 बियर का आपको स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, जो कि आपका October 7th को आने वाला ये एनिमे, बट आपको यहाँ पे स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा शायद एक एपिसोड। हाँ तो आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका डानमाची Season 3 का विजुअल भी रिलीज हो चुका था, ये शायद से पिछले हफ्ते ही हो गया था, मैं पिछले हफ्ते की एनिमे न्यूज में इसको बताना भूल गया था, तो इसी की न्यूज में मैंने इसको ऐड यहीं पे कर दिया है। आपको डानमाची, अगर आपने डानमाची नहीं देखा है तो अगर आपको एची लवर्स हो तो थोड़ा बहुत इसमें एची है जो कि अच्छा लगता है। डानमाची आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ओवर पावर्ड अगर एनिमे मतलब मैजिक टाइप का एनिमे पसंद है तो आप जाकर के डानमाची देख सकते हो। और इस सीजन के एनिमे तो खत्म होने ही वाले हैं, दो तीन मैक्सिमम 2 एपिसोड्स बचे हैं हर एनिमे के। तो अगर आपने अभी तक कैचअप नहीं किया है तो आप जाके आप कैचअप कर सकते हो। मेरे को भी अब बहुत सारे एनिमे को कैचअप करना है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने गेमर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में दिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे ही मैं डालूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और कोई कमेंट है या हेल्प चाहिए या कोई फीडबैक है तो मेरे कमेंट सेक्शन को जरूर यूज कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।